बेरोजगारी युवाओं को किस ओर धकेल रही है इस न्यूज के माध्यम से देखिए। बेरोजगारी से तंग एक युवक ऐसे लोगों के संपर्क में आ गया कि पैसा कमाने के लालच में वह स्कॉट मेल सर्विस वर्कर बनने को भी तैयार हो गया। उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर ठगों ने उससे स्कॉट मेल सर्विस वर्कर बनाने के नाम पर किस्तों में 14,90,000 की ठगी कर ली। एक साल पहले हुए इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने ठगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। एक साल बाद ही सही, बाकी मोंगरा पुलिस ने इस ठगी के महत्वपूर्ण मामले को सुलझा लिया है और नोएडा से एक महिला को गिरफ्तार कर कोरबा लेकर आई। पकड़ी गई महिला के पास से 150 ग्राम सोने के गहने, 12,000 रुपये नकदी और 24 सिम कार्ड सहित 2 मोबाइल जब्त किया गया है। मामले का मुख्य आरोपी अभी दिल्ली जेल में बंद। कोरबा पुलिस को बताया कि वह UPSC की तैयारी कर रही थी, तभी उसकी मुलाकात ठगी के मुख्य आरोपी के साथ हुई थी, जिसके साथ वह लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी और यही से उन्होंने गिरोह बनाकर ठगी। 2018 का मामला है। आरोपी संदीप कुमार, आदित्य और मनीष कुमार, ये और अन्य आरोपी जो है एक कॉल सेंटर चला करके लोगों को ठगने का काम कर रहे थे और ऐसा करके इन्होंने जो है अपने प्रार्थी से 14,90,000 रुपये का धन मिश्रा और नेहा निहारिका, ये बचे हुए थे। इस पे आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जो है एक टीम बना करके दिल्ली NCR नोएडा क्षेत्र में भेजा गया था ताकि इनकी गिरफ्तारी की जा सके। तो में टीम लगातार इनको ट्रैक कर रही थी और अलग अलग माध्यम से जो है इनको